इस सरकटे पुरुष को हराने के लिए हमने रास्ता ढूंढ लिया है। तो फाइनली हॉरर कॉमेडी जॉनर मूवी स्त्री 2 का ट्रेलर आ चुका है। जैसा कि हमने पहले स्त्री को देखा, फिर हमने मंजुआ को देखा, भेड़िया को देखा, मतलब हॉरर कॉमेडी जॉनर को इंडिया में अब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। तो स्त्री 2 का ट्रेलर जैसे ही सामने आया, क्यूरियोसिटी बढ़नी ही थी और उस ऑडियंस की क्यूरियोसिटी के ऊपर ट्रेलर काफ़ी अच्छा निकला। जी हाँ दोस्तों, स्त्री 2 का ट्रेलर जैसे ही सामने आया, एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी बढ़नी ही थी, क्योंकि स्त्री 2 काफ़ी अच्छी थी। मंजुआ हाल ही में रिलीज़ हुई, वो भी बहुत अच्छी लगी, और उससे पहले भेड़िया रिलीज़ हुई थी, वो भी दर्शकों ने काफ़ी पसंद की। तो अब स्त्री 2 का ट्रेलर जैसे आया, एक अलग ही टाइप का ऑडियंस में उत्साह देखने को मिला। और ख़ास बात ये कि इसमें स्त्री 1 वाली टीम को ही रिपीट किया गया है, सेम कलाकार दिख रहे हैं लेकिन नई स्टोरी के साथ और नए ट्विस्ट के साथ। जी हाँ दोस्तों, इसमें नया ट्विस्ट ये है कि अब उस चुड़ैल की लड़ाई एक भूत के साथ होगी। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ही ये है कि अब एक चुड़ैल जो कि पिछली मूवी में थी, उसकी लड़ाई अब एक भूत से होगी, और वो भूत का किरदार कौन निभाएंगे ये तो आगे आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन आपको छोटी सी एक और न्यूज़ दे दूं कि इसमें सुनने में आ रहा है अक्षय कुमार भी एक गेस्ट अपीयरेंस में नजर आएंगे। क्या वो इस कहानी के मेन विलन हो सकते हैं? शायद ऐसा भी आपको देखने को मिल जाए। सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक पहले से बेहतर नजर आ रहा है और कहानी को प्रेजेंट करने का अंदाज भी कुछ हटके ही दिख रहा है। वही अगर बात की जाए तो ट्रेलर में राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की केमिस्ट्री काफी अच्छी लग रही थी। अभिषेक बनर्जी ने भी बहुत अच्छे से स्क्रीन प्रेजेंस अपनी दिखाई है ट्रेलर के बीच में, और पंकज त्रिपाठी भी अपने पुराने वाले अंदाज में दिख रहे थे। तो इस फिल्म को देखने के लिए मेरी क्यूरियोसिटी तो बन चुकी है। जैसे ही ये मूवी रिलीज होगी, मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाऊंगा। तो आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।